हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनी। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। ये पार्ट सेकंड चैप्टर फोर जो इकोनॉमिक्स की क्लास 10th की बुक है, अर्थशास्त्र की बुक, हिंदी मीडियम वालों के लिए, और उसके ये नोट्स हैं। और ये पार्ट सेकंड है, पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया। जिन लोगों ने पहले पार्ट वन नहीं देखा है तो वो पहले वो देख लें, तो आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर के लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगी, अगर आप वो चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और इससे पहले के चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पार्ट सेकंड। इससे पार्ट फर्स्ट में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था और पढ़ भी लिया था, समझ लिया था। अभी आते हैं इस टॉपिक पे, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण ये सब हैं। प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो वैश्वीकरण को संभव बना रहे हैं। ये भी वैश्वीकरण इसकी वजह से भी आ रहा है। परिवहन में सुधार हो रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी आ रही है, दूरदर्शन और संचार उपग्रह हो रहा है, और सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति हो रही है। सरकार जो अवरोध विरोध करते हैं उनकी समाप्ति हो रही है, और इंटरनेट जैसी हमारे पास अच्छी, मतलब इंटरनेट जैसी सुविधाएं आ रही हैं। तो ये सब कारक हैं जो कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और विदेशी व्यापार क्या होता है मुख्य उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन का, WHO, विदेशी व्यापार को उदार बनाना होता है। सबसे विदेशी व्यापार को उदार बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया था ये मुख्य विश्व व्यापार संगठन, जो विकसित देश होते हैं उनकी पहल पर शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंध नियमों को निर्धारित करता है ये। विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है। विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधों को बरकरार रखा है। तो यही सर पॉइंट्स हैं विश्व व्यापार संगठन के, और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैश्वीकरण के प्रभाव क्या क्या हुए वैश्वीकरण। तो हमने वैश्वीकरण को जो संभव बनाने वाले कारक है वो पढ़े, अब हम वैश्वीकरण के प्रभाव पढ़ते हैं। उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता कहते हैं कस्टमर के लिए, उपभोक्ता के लिए पहले से अधिक विकल्प हैं जो कि वैश्वीकरण के प्रभाव में ही सारे। उपभोक्ता के पास, कस्टमर के पास और पहले से और ज़्यादा विकल्प है उत्पादों को उत्कृष्ट गुणवत्ता, कम कीमत तथा उपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर। तो मतलब इसमें बताया फर्स्ट पॉइंट में कि जो कस्टमर होते हैं उनको कम, उनके पास पहले से और ज़्यादा विकल्प आ गए हों, उनको अच्छी चीज़ें, गुणवत्ता वाली चीज़ें कम दामों में, कम कीमत में मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, और उनका इसलिए जीवन स्तर बहुत उच्च हो गया है। तो ये वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे पहले कस्टमर के लिए ही बताया गया है, उपभोक्ता के लिए। सेकेंड पॉइंट है नए रोज़गार के अवसर हो रहे हैं। जो नए रोज़गार नहीं थे वो रोज़गार कि उनको अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कच्चा माल आपूर्ति कराने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरी हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैन बैक्सी, एशियन पेंट्स इत्यादि। बिल्कुल सही है कि ये सब कंपनियाँ, भारतीय कंपनियाँ जो हैं ये सब बहुराष्ट्रीय के मतलब कन्वर्ट हो गई हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ बन गई हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए क्या प्रयास करता है, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। सरकार की नीतियां सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को उनके अधिकार मिले हैं। यस, बिल्कुल राइट, सही पॉइंट है बिल्कुल। सरकार जो है सुनिश्चित कर सकती है कि जो मजदूर हैं, श्रमिक जो हैं, उनको सही उचित कार्यान्वयन मतलब होता है, उनको अपना काम मिले, सही काम मिले, और श्रमिक को अनेक रोज़गार मिलने के, श्रमिकों को उनके अधिकार भी मिले और रोज़गार भी मिले।
अब इसके दो पॉइंट्स और हैं, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये दो पॉइंट और हैं उसके, जो टॉपिक हमारा चल रहा है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास, ये उसका थर्ड, तीन पॉइंट हो गए थे, ये फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है। सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते कर सकती है, समान हित वाले विकास विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है सरकार। हाँ सही है बिल्कुल। और मैं ज्यादा एक्सप्लेन आपको इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही ऐसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए हमारी भी पार्ट सेकेंड।